नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों? मैं आपकी हिंदी फरदा मिस बोल रहे बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने सातवीं कक्षा में यानी सेवेंथ स्टैंडर्ड में पिछले पार्ट में क्या देखा था आपको याद में है? हाँ, हमने सुंदर पद्य देखा था। अच्छा बच्चों, पहले मैं आपकी किताब को दिखा दूँगी। ये है आपका सेवेंथ स्टैंडर्ड का किताब। यहाँ पे देखो, सेवेंथ स्टैंडर्ड का किताब ये है आपका। इसमें हमने कौन सा पद्य देखा था आपको याद में है? हाँ, बाप दो युगा अवतार बापू, युगा अवतार बापू। इसके बारे में हमने इनके कवि पर्चे में पहले आपको एक छोटा सा याद दिलाती हूँ। श्री सोहनलाल द्विवेदी जीवन के में बच्चों के लायक चिल्ड्रंस को बहुत इंटरेस्टिंग से पोएट्री लिखते थे, बहुत अच्छा पोएट्री लिखते थे और वे राष्ट्रीय नेशन पोएटर भी थे और युगा पुरुष से बहुत प्रभावी इफेक्टिव और ये राष्ट्रीयता विश्वता प्यूर राष्ट्रीयता तथा भाषा में वेरी इजी लैंग्वेज में पोएट्री लिखते थे। इन्होंने किसके बारे में लिखा मालूम? एक मिनट बच्चों, ये है हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को कितना प्रशंसा करके इस पद्य में उन्होंने लिखा, इसी के बारे में हमने पिछले पाठ में पद्य में देखा था। हाँ, चल पड़े जिधर उधर, वहाँ करोड़ों पीपल्स आते थे इनको देखने के लिए। इनके पीछे करोड़ पीपल्स थे और इनको परिवर्तक बोला था, संस्थापक बोला था, निर्माता बोला था और ये मूर्ति प्रताप बोले थे। इस प्रकार इतनी प्रशंसा हमारे सोहनलाल द्विवेदी ने बहुत अच्छा इस पद्य में महात्मा गांधी की प्रशंसा के बारे में बोला है। ये हमने पिछले पार्ट में देखा था। आज हम नए पार्ट में अप्रतीत में चिड़िया की बच्ची एक सुंदर कहानी को देखने वाले हैं। वो कहानी है ये चिड़िया की बच्ची। ये कौन लिखा देखो? हाँ, श्री जैनेन्द्र कुमार। अच्छा बच्चों, ये कहानी में श्री जैनेन्द्र कुमार माधवदास एक सेठ है। ये देखो, ये सुंदर चिड़िया और उसके एक सुंदर बच्चे, इसे रखकर ये कहानी को उन्होंने लिखा है। हाँ अच्छा बच्चों, अब देखिए इस कहानी में क्या शुरू होने वाला है। ये श्री जैनेन्द्र कुमार ने बहुत अच्छा दो कैरेक्टर्स को लेकर ही इस कहानी को उन्होंने बोला। माधवदास अपनी संगमरमर की नई कोठी मार्बल बड़े बंगले में वो रहे। माधवदास एक बड़े पैसे वाले आदमी थे। हाँ, उनके सामने बहुत सुहावना, उनके घर के सामने क्या था, एक ब्यूटीफुल गार्डन। वो गार्डन कैसा था? बड़े बड़े पेड़ फूल पौधे सब थे, इतना सुंदर गार्डन था। और उनको वो कला प्रेमी भी थे। हमारे माधवदास कला से बहुत, आर्ट से बहुत प्यार करते थे। धन की कमी नहीं है, पैसे की उन्हें कमी नहीं है, कोई तकलीफ एप्लीकेशन की उनको छुआ तक नहीं, इतना कष्टम अंदर माधवदास को कड़ियाँ। और सुंदर अभिरुचि के आदमी है, इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल सीनरी। प्रकृति को बहुत चाहते थे वो, ब्यूटीफुल से चाहते थे। और फूल पौधे रखबिया से हौजे में लगे फुवारे में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत रहा। उनके गार्डन को देखो, फूल रहते हैं सुंदर, पौधे रहते हैं और अवपात रसी पर अंदर गार्डन है शैलो रखा पिया के हौजे अंदर पू तन्नी विड़ பதர்க்கிங்களா फ्लावर இதல சோ அந்த மாதிரிலாம் அவருடைய கார்டன்ல இருக்கும். और उस समय भी उनके पास काफ़ी है, हाँ समय भी उनके पास बहुत समय काफ़ी टाइम था। शाम को जब दिन की गर्मी ईवनिंग लेना பண்ணுவாராம் அந்த சம்மர் போன உடனே ஈவினிங் வந்து எங்கோ கருவாராம் கார்டன்ல பில்லோ ரக்கே कारपेट बिछा के। पैसे वाले के घर में कैसे रहेगा? कारपेट आएगा मेरे मसनत के सहारे, गलीजे में बैठकर चबूतरे ना अंद गार्डन रूफ की तो उल्लाती रसीपा माधव दास। हाँ, मसनत के सहारे, मसनत इज अ पिल्लो, पिल्लो पड़े वायल हुक्का वजी, हुक्का इज अ सिगरेट। उस जमाने में हुक्के को हुक्का बोला जाता। सो वचिकटे अभी बिनो चर्चा अभी सोच के देख रहे हैं स्वप्न में। स्वप्न इज अ ड्रीम। आज कुछ कुछ बादल से, इनकी बातें क्लाउड्स नहीं, छोटे छोटे बादल, काले बादल, घटा गहरी थी। आसमान देखेंगे तो बहुत अंधेरा था, बारिश आने वाले के रूप में। धूप
का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव नद मस्ते के सहारे बैठे थे, उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला, पर जी भर के भी कुछ खा नहीं सकते। अब उनको वाड़ी एलिए रसिचे बहुत अवक मनस कवले उनको तकलीफ था। क्या तकलीफ था? एदो और कमी नमक एदो इले अब ना सब है उनके पास, माधवदास के पास। फिर भी वो क्या सोच रहे, मेरे पास कुछ कमी है अब भी योजना। उस दिन संध्या समय वन डे द टाइम इवनिंग टाइम देखते ही देखते सामने की गुलाब पाते गार्डन ऑन द गार्डन। सो गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आ गई थी, वो ब्यूटीफुल बर्ड आ रहा था सुनने अंदर कुछ अंदर छोटे छोटे बच्चों में वो ब्यूटीफुल बर्ड रोका। ये देख लो बच्चों, हाँ बहुत एक सुंदर सा बर्ड आके बैठा था। हाँ चिड़िया बहुत सुंदर पाकत अपने आप तुम्हारी चिड़िया अच्छा का अंदर उसकी गर्दन लाल करते बिंदु से रेड कलर गुलाब होते हुए किनारे पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। हाँ और मैंने रोज कलर ब्लू कलर डिफरेंट आर्ट मार ना, ये कला प्रेमी थे हमारे माधवदास कला प्रेमी थे। और सिर पर बहुत प्यारा लगता शरीर पर चित्र चित्र के और बॉडी फुल आर्ट मारे वन चल ब्यूटीफुल कलर्स रेड कलर रोज कलर ब्लू कलर अंत मेरी इनमें रोम रसिचार माधवदास। और कभी कुदरती आवाज़ करती थी, वह खूब मासूम बोलती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी आवाज़ निकाली। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, उसकी स्वच्छता बड़ी प्यारी जान पड़ी थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया की इस डाल से उस डाल गिरक के हाँ अपने रसिक रहे अंग पार्क आगे और उनको रोम पूछ पूछ अंग पा रहे उनको बहुत पसंद हो गया वो बर्ड। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई, ये बगीचा तुम लोगों की बगीचा में तुम्हारे लिए बन बढ़ने आगे तो पेश है। माधवदास चिड़िया के पास बातें कर रहे, तुम कितनी सुंदर हो, वेरी गुड, तुम मेरे गार्डन में आ गई, तुम्हारा ही ये गार्डन है अपनी सोलह रोज, तुम बेकट के आ यहाँ आ गए तिरिया मंदिर बेकट के मीन्स बिना मानो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, अबे भयपड़ा चिड़िया असावधाना ना अबे केयरलेसा रख, फिर जानकर की बात उसकी जा रही है, एकाएक तो घबराने लगी, फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका, मैं अभी चली जाऊँ, पल भर सांस लेने ही यहाँ ठीक हुई। हाँ अंदर बर्ड सो लो, वो बर्ड बोल रहा कि मैं थोड़ी देर रेस्ट लेने के लिए आती, मेरा सांस बहुत होने लगा रेस्ट लेने के लिए, मैं अब चली जाऊँगी, इधर उनका गार्डन है अंदर तेरे, अंद बर्ड माधवदास से सोलो। माधवदास ने कहा, हाँ बगीचा तो मेरा है, ये संगमर की कोठी भी मेरी, लेकिन इन सबको तुम अपना भी समझ सकते, इधर ना गार्डन वो संगमर का पैलेस मेरा, लेकिन अब तुम्हारा है अपनी सोली पूरी हो, सब कुछ तुम्हारा, तुम कैसी बोली हो कैसी प्यारी हो, जाओ नहीं बेटे मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ संकोच हुई, आना अब चिड़िया को पक भयम रखे संकोच वेक पड़ी, हाँ अपनी वेक पड़ी। सो और खुश बोली, इधमें एवलो इनोसेंटा तुम कितनी बोली हो कितनी नादान हो, माधवदास अभी पिटिकन चल जाओ यही बैठ जाओ तुम कितनी प्यारी हो। उसे बोध हुआ कि उसने गलती से आ गई, तिरकने रुक गया, भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ पे बैठ के मैं अभी चली जाऊँगी, बगीचा आपका है, मुझे माधवदास ने कहा, मेरी बोली चिड़िया तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित प्रफुल्लित इज एंथुसियाज्म एनर्जेटिक वेरी अट्रैक्टिव, मेरा महल भी सुना है वहाँ कोई भी चहचहता नहीं, तुम्हें देख कर मेरे दुनिया का जी बहले, तुम कैसी प्यारी हो यही तुम क्यों ना रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप करने हवा खाने से खेलने और फूलों से बातें करने में जरा घर से उड़ा रही थी, अब साज हो गया और माँ के पास जा रही हूँ, अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करो। हाँ माधवदास अपने पेच माइंड मात्र है, चिड़िया तुम कितनी बोली हो, मेरा पैलेस सुना है, तुम मेरे पास रहे तो तुम कितनी प्यारी हो। आना चिड़िया के मनसल भय अंदृष्ट नाम ले लो सही पूरा, वो बोल रही थी कि मैंने धूप की वजह से मैं यहाँ पे थक गई, इसलिए मैंने आपके बगीचे में आ गया, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं माँ के पास जा रहा, अब तो इवनिंग हो गया मुझे रास्ता भूल जाऊँगी क्योंकि मैं छोटी हूँ।
मैं घर से इसलिए बाहर आई थी कि धूप की वजह से मुझे थक गया, मैं बगीचे में आ गई, ये आपका बगीचा, मैं आप चली जाऊँ। रेंडी पेर को कॉन्वर्सेशन इतना बोल रहा। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बन, पैके करिया ऐसे बोलते, पगली का मतलब मैं, देखो तुम्हारा चारों तरफ कैसी बहार, देखो वो पानी खेल रहा, उधर गुलाब हंस रहा है, पर नाला पकड़ो पर ये गार्डन कितना सुंदर है, देखो पानी चारों ओर है, गुलाब हंस रहा है तुम्हें, भीतर महल में चलो, क्या क्या ना पाओगी, मेरा दिल वीरान है, ये लोग वीरान ही हुए, ये मन से एमटीआर नंबर दी अंदर तो अपने अंदर संतोष कर ऐसे बोल रहे वहाँ वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है, जब वो सिर गिर सकते हो, मेरे पास बहुत सा सोना मोती एक नरैया पानों का मूर्ति एलामी इरुकु, हाँ सोने का ये बहुत सुंदर घर में तुम्हें बना दूंगा, मैं तुम्हें गोल्डन घर बनाऊंगा। कौन बोल रहा? माधवदास। मोतिया की जाल में लटकेगा अदेनार को मुत्तु तोंगुन सो रहे, मुझे खुश रखना और तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है, गुड़ियान सो रहे बोमेन सो रहा है बहुत, हाँ मेरे मनस मात्र बड़ोड़े मनस कुछ कुछ मान कहते इवो तो माँ के पास क्या है बोलो। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई, बोर्ड मनस बात भयंद वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई, आप भूल कर भी ऐसे गलती नहीं, ना तेरी आम वंद वही मंदिर मैं मालूम नहीं मैं यहाँ पे आ गई, ना इनमें अगर तप सही है मालूम, वो चिड़िया बोल रहे हैं माधवदास, मैं अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ, तुम्हारी बातों मेरे समझ में नहीं आ, मेरी माँ के हौसला बहुत दूर, सुनहरी धूप निकली रहती, मुझे और क्या करना, दो दाने मान लो ला देती है और जब मैं पर खा लेने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बात देखती रहती है, मुझे तुम कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की, हाँ चिड़िया बोलने लगी, ना एक अम्मा उड़े अपनी वो नहीं सोड़ा दिखला ना मारा ऐसे बोल, मैं तो धूप मेरा घर तो धूप के रंगों में गोल्डन कलर में रहेगा, ऐसे चिड़िया बोलती, तुम मेरे बा तुम मेरी माँ की हो ऐसे बोल रही थी। माधवदास ने कहा, अरे भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती, तुम नहीं जानती चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, आई नो मेरी मदर को मैं जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, मैं ब्रदर को जानती हूँ, चिड़िया बोल रही, सूरज को और उसकी धूपों को जानती हूँ, सूरज तेरी माँ, सन तेरी माँ, वेल तेरी बट घास पानी और फूलों को जानती हूँ, ग्रास फ्लवर्स अपने तनि एलिए चिड़िया बोल रही, महामान्य तुम कौन हो, यार महामान्य ग्रेट पर्सन तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं जानती, चिड़िया बहुत अच्छा बोल रही है, मैं तुम्हें नहीं जानती, माधवदास तुम बोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुम्हें कुछ नहीं जानता, मैं ही तो हूँ माधव सेठ माधवदास, आई एम सेठ माधवदास, तुम मुझे नहीं जानती, मैं तो सेठ माधवदास, आपके पास सब कुछ है, आप मुझे जाने दीजिए प्लीज़, आपके पास धन दौलत सब कुछ है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, चिड़िया तुम सेठ हो, तुम भी सेठ हो, माधवदास ने सर नाम सेठ ना नीयू सेठ ना, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता, आई डोंट नो, चिड़िया बोल रही है यानी सेठ यार तेरे, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं आज समझ उठा है, माँ मुझे बहुत प्यार करती है और मेरी राह देखती रहेगी, मैं माला माल होकर क्या कहूँगी, मैं नहीं जानती माला माल क्या है, कोठरी क्या है, उतर कर तिरक कर डरने लगती है चिड़िया, क्या जानेगी तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना, बस ये जान लो कि सिर्फ माधवदास तुझसे बात कर रहा हूँ, सोना पति उनको तेरिया, लेकिन सेठ माधवदास तुझसे बात करना वो तुझे मालूम है ना, हाँ जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है, ना यार की जो पैसे लो और लक्की फेलोवर हो, ऐसे बोल रहा है माधवदास चिड़िया से, दास दासियों की संख्या नहीं है पर तुझसे मेरा चिंता प्रश्न है, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है, चिड़िया तो इस बात को समझती क्यों नहीं, चिड़िया से मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझ नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बात देखती होगी, सेठ टहटे इस अपने पास
ये के फूल को तूने देखा, ये एक है, ऐसे अनगिनत फूल है, ऐसे अनगिनत फूलों मेरे बगीचे में, ये भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया में मैंने मेरा चिंतित प्रश्न किया और वे सब फूल तेरे लिए खिले गए। वहाँ घोंसला में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बहार के सामने, तेरी माँ क्या है, वह तेरे घोंसला में कुछ भी तो नहीं है। तू तो अपने को अपने लोग नहीं देखती, कैसी सुंदर तेरी गर्दन थी, कैसे रंगीन देर थे, तो अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा, मैंने मेरा चिंतक को प्रसन्न किया हो तो मत जा यही है। हाँ क्या बोल रहा माधव देश, तू क्या जानती है सोना क्या है पैसा क्या है, मैं तुझे सब सिखाऊंगा। माधव दास चिड़िया से बोल, तू कितनी रंगीन है, कितनी देखो मेरा फूल पेड़ पौधे कितना सुंदर है, ये कितनी खुशबू है, ये सब छोड़ के तू तेरे माँ के पास देखे क्या कर, तेरे घर में क्या है। माधव दास चिड़िया को ऐसे बोल, चिड़िया बोल मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं, मेरी माँ जानती। चिड़िया एक ही बात, चिड़िया सेठ मैं आपकी को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे ये देर हो रही है सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाए तो मुझे रास्ता भूल जाए। सेठ क्या बोलने लगा, हाँ चिड़िया क्या बोलने लगी सेठ से, मुझे छोड़ दो मेरी माँ ही माँ है, मैं चली जा रही हूँ, अगर अंधेरा बहुत हो जाए तो मैं रास्ता भूल जाऊँ। सेठ ने कहा अच्छा चिड़िया जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझना, तुम बड़ी सुंदर हो, ये रूप अड़गा कर निपोर धंधा पोट, सेठ कह रहा है लेकिन वो झूठ बोल रहा वहाँ, हाँ लेकिन इस बगीचा तुम्हारा तुम जब भी आ सकते। ये कहने के साथ ही सेठ ने ये बटन दबाया, लाइट और बटन अमतना, उसके दबने से दूर कोटी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर ये दस छटपटा भगा कर बाहर आ, ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बात देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना परसों आना रोज आना। பேசிக்கிட்டே மாதோதாஸ் ஒரு பட்டன் அப்படி அங்கேருந்து ஒரு சத்தம் கேக்குது, ஆனால் சிரியாக்கு அது புரியல, என்ன சத்தம் கேட்குதுன்னு புரியல. ஸோ உஸ்னே கியா கியா, ஹா உஸ்னே பாத்தே தேத்தே ரா மாதோஸ், நாளைக்கு வருவில்ல துமாரி மாக்கே பார்த்து சலிஜோ, கல் ஆவோகினா ஜரூர், ஹேசே போல்தே போல்தே பர்சும் ஆவோகினான்னு சொல்லிட்டார். என் கேத்தே கத்தே உஸ்கா சர்வெண்ட் தாஸ் கா சே இஷாரா கயா, ஹமாரே மாதோதாஸ்னே ஆக்ஷன் கரா, சிரியாக்கு பக்கோ, हाँ चिड़िया को पकड़ने में जतन में चला। सेठ कहते रहा सचमुच तू बड़ी सुंदर है, अपनी सुनिटे पेश रहा, तुम्हारे बड़े भाई बहन है, बड़े ब्रदर सिस्टर्स इरकांग, कितना भाई है, दो भाई दो बहन एक भाई, चिड़िया बोल रही है, हाँ कितना बहन, टू सिस्टर्स एंड वन ब्रदर, पर मुझे देर हो रही, बस एनक टाइम आ रही है, बिठेंगे ना पो रहे, अंत में वही बोल रही, हाँ हाँ जाना अभी तो उजाला है, अरे इधर इपोर के वेलचमा दान है। सेठ कहता है दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है, पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन है, आना बर्ड मटो मनस भय इंदे इनमो नडक पो वो सोच रही, चैन इज अ पीसफुल नहीं, वो चौकी वो चारों ओर देख नाला पकड़ो पाक बड़ी अलग अलग पिटिकरा फोर साइड्स में देख रहे, हाँ सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा देर अभी कहाँ, अभी उजियाला है, इपोर के वेलचमा दान है, मेरी प्यारी चिड़िया तुम अपने घर को इतना और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा सेठ मुझे डर लगता है, आई एम वेरी फियर, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, मम्मा रोबो दूर है, नाइट एक्सेंट बड़ी तरह, रात को मैं रास्ता भूल जाऊंगी। हाँ इतने में चिड़िया का बोध हुआ कि जैसे ये कटो स्पर्श उसके देह को अपने बदी अगर टच पड़ने वाली है, हाँ देह को छू गया, टच को क्या कहता चीख चिका के एकदम उड़ गई। सो माधव दास से हमारी चिड़िया बच गई, नौकर के फैले हुए पंजों में वह आग कर गई, उड़ के वर्ग नौकर न पलटा गए, चिड़िया उड़ गई, क्यों यार टच पड़ने वाली और फील रुच बोल, बिकॉज वो पहले ही चैन नहीं, तब उड़ती हुई एक सांस हाँ माँ के पास आ गई, सीधे कहाँ पे आ गई, वो अपनी माँ के पास चली गई, गोद में आके गिर के काम के डर के अपनी माँ की छाती माँ के लग के सो गई थी। हाँ बोली कुछ नहीं, बस सुबकती है ओ माँ ऐसे बोल के डर नहीं लेनी चाहिए, बड़ी देर से उसे ढांढस बंधा होता वो पलक बीच उस छाती में ही चिपक गए सोई, जैसे आप पलक ना खोले,
கண்ண மூடி இருக்கி அவங்க அம்மா பிடிச்சி தூங்கிடுச்சு. ஸோ அந்த கியா ஹுவா சிடியா மாதவ் தாஸ் சே பச் கே உசே கித்தனை பி லாலச் பி ஹோனே பர் பி மாதவ் தாஸ் சே சிடியா கோ பக்கடனே கே லியே தயார் ஹுயே தி. லேகின் சிடியா பஹத் இன்னோசென்ட் ஹோனே பர் பி பஹத் தைரிய தி ஔர் உஸ்னே அப்னே ஆப் கோ பச்சா லியே. ஆஃபத் கே வக்த் மே ஹமே அப்னே ஆப் கோ பச்சானா சாஹியே. यही ये कहानी है. यहाँ पे ये कहानी समाप्त हो रहा बच्चों. कोई डाउट है तो पूछ लो प्लीज़ बच्चों. पढ़ाई में ध्यान दीजिए और जो भी डाउट है तो मुझे पूछो. किताबी ये मीनिंग सब पेंसिल से लिखो. सेवन स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स प्लीज़ बच्चों पढ़ाई में ध्यान दीजिए. कोविड 19 में बाहर मत जाइए. जो असाइनमेंट आ रहा है उसे पूरा कीजिए. हाँ जो समाप्त पाठ हो रहा है प्लीज़ उसे पढ़ कर दे. सारे सेवन स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हिंदी किताब पढ़ा घर में बैठ के रीड कीजिए. असाइनमेंट को पूरा कीजिए. धन्यवाद.